ये आइसक्रीम बन चुकी है निहारी निहारी रोटी सहरी में। और ये देखना हमारी माहिरा की पोजीशन, देखो ये सोने का स्टाइल इनका। आज है रमजान का दूसरा जुमा। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कर लो फटाफट से बनाइए, रो क्यों रहे। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बहुत ही मजे का बनाया पकौड़ा, तो क्या डाल दिया इसमें। मैं हमारे हाथ का प्यार, oh my God. हमारे हाथ का प्यार, ये क्या होता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो जी आज है सहरी नंबर 11, तो चलिए आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त बज रहे हैं 3:30, हम लोग सहरी के लिए उठ गए हैं। उठे क्या हैं, सोए तो है नहीं, उठे वही हैं। आज हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर सो गए तो पता ना चला आज कभी रोता निकल गया, सहरी निकल जाए, तो हम सोए नहीं। तो चलिए सहरी करते हैं और आज सहरी में हम खाएंगे निहारी, जो कि अम्मी के घर से आई थी, जो हम कल खाते लेकिन वो किसी वजह से नहीं खा पाए, आज खाएंगे। चलिए जी, इसमें क्या है, राइस, जीरा राइस। बच्चों के लिए बनाए थे, कर्ड राइस खाए बच्चों ने। ओके, निहारी नहीं खाएंगे कह रहे थे, मिर्ची लग रही है। ये आइसक्रीम बन चुकी है निहारी, निहारी की आइसक्रीम बन गई। गरम करना है ऐसे के ऐसे ही रख के कर देता हूँ, गरम पिघल के खुद ही नीचे हो जाएगी। चलिए गाइस, 4 बज रहे हैं, फटाफट से खाते हैं निहारी रोटी सहरी में। भवक रही है, फुल गरम हो रही है, धुआं छूट रहा है। टेक्निक, एक टेक्निक से गरम करिए, स्टीम, स्टीम में। गाइस तंदूरी रोटी ये कल ही अम्मी ने साथ में भेजी थी, तो तंदूरी रोटी जब बासी हो जाए ना तो एकदम ताज़ी जैसी गरम करनी हो तो नीचे बर्तन रखो, ऊपर छन्ना रखो, रोटी रख दो, ऊपर से ढक दो, एकदम ताज़ी जैसी गरम हो जाती है, सॉफ्ट भी। करके देखना है टेक्निक। तो जी गाइस, नारी हमने खा ली है, अब खाएंगे खजला और फिला रही है अपनी चाय, अभी बड़ा गर्म हो रहा है। तो जी गाइस, सायरन हो रहा है और ब्रश वगैरह हमने कर लिया है, सहरी हो गई है खत्म। पंदा लग गया भी पानी पीते पीते, और ये देखना हमारी माहिरा की पोजीशन, देखो ये सोने का स्टाइल इनका है, पैर का जा रहे हैं, हाथ का जा रहे थे। तो जी सहरी हो गई है खत्म और मैं जा रही हूँ ब्रश करने, फटाफट से वजू बनाने जा रही हूँ, नमाज पढ़ेंगे और निन्नी करेंगे और मिलेंगे आपसे, उठेंगे, आज जल्दी उठना है। आज है रमजान का दूसरा जुमा और 11वां रोजा। 6 hours later. Hi guys, assalamualaikum, welcome back again. तो जी सुबह हो गई है, मैं हो गया हूँ रेडी और आज है रमजान का दूसरा जुमा। चलिए चलते हैं नमाज के लिए और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जी गाइस, नमाज हो गई है जुमे की और चलिए अब चलते हैं घर, चल के देखते हैं बच्चे बच्चे रेडी हुए नहीं हुए। तो गाइस हम आ गए हैं घर और बच्चे भी हो गए रेडी। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कर लो, आपको तो सलाम आ लिए। तो जी दोनों रेडी हो गए, माइनू ने पहना है, माहू सभी को जुमा मुबारक, माहू ने पहना है रेड सूट और माइनू ने पहना है पिंक सूट। चलो माइनू हाय कर दो, अच्छा हाय करो यार जल्दी। हाँ हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो गाइस आज है जुमा और जुमे का हमने सूट भी पहन लिया, नहा धोकर बच्चों को भी रेडी कर रहा और काम वाम में लगी हुई थी, बिजी थी, टाइम ही नहीं मिला। और पीछे की धड़धड़ आवाज को तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, ये हमारे घर आपको पता है, ये गली में काम चल रहा है। एंड बस उसके बाद मैं भी रेडी हुई, फिर नमाज पढ़ी और बस घर के कामों में लगी हुई थी और सारे काम निपटाते निपटाते 4 बज गए और बस अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे असर की नमाज और उसके बाद बनाएंगे इफ्तार। आज दूसरा जुमा है, पिछले जुमे को भी हमने 2-3 जगह इफ्तार भेजी थी और आज अगला जुमा है, मतलब सेकेंड जुमा है, तो आज भी 2-3 जगह इफ्तार जानी है।
तो जल्दी जल्दी से बनाने पड़ेंगे। आज हम बनाएंगे, बताती हूँ, कल काबुली चने की चाट बनाई थी, वो है फ्रूट चाट बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, आलू प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, छोले हैं, और बस इतनी सारी चीजें काफी हैं, है ना। हाँ जी, तो गाइस हो गई है असर की नमाज, मैंने भी पढ़ ली और ये भी पढ़िया है और कर दी है हमने इफ्तार की तैयारी शुरू। आज थोड़ा टाइमली बना लें और टाइमली बन जाए, टाइमली भेज भी दें। हम चल के तैयारी करते हैं आलू प्याज के पकोड़े बनाने की, क्योंकि हम बनाएंगे वो। हाँ जी, तो गाइस मेरा काम निमट गया है, मैंने सब कुछ बना लिया जो मुझे बनाना था। अब यहाँ पे पकौड़े रह गए खाली, वो इनको बनाने, फटाफट से बनाइए, रो क्यों रहे हैं। सरसों का तेल जलाया है, हाँ आंखों में जल आ रही है। चलिए डालिए फटाफट से, फिर मैं प्लेट बना दी है, मैंने प्लेट दे कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, 6:05 हो गए, देर हो रही है, हो गए, एक लॉट बन गया है तो ले दे जाऊं, दिया हूं, मेरी प्लेट तैयार हो गई, पापड़ तल देता हूं, तल दीजिए। तो गाइस 6:05 हो गए हैं, बच्चे हमारे आ गए हैं खेल के, और ये देखो इनका रोजा पहले खुल गया है, इन्होंने आज दोपहर में कुछ नहीं खाया, कह रही है भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब लगी है भूख, अब ये खा रही है, मैंने कहा चलो खा लो। यहाँ पे प्लेट्स हो गई है रेडी। हाँ, माहू का तो आज आधा रोजा हो गया, माहू ने कुछ नहीं खाया सर के बाद से अब तक। चलो माहू प्लेट देने चल लियो, चलो जल्दी से चलते हैं, प्लेट्स देकर आते हैं। तो गाइस हम प्लेट वगैरह देकर आ गए हैं और अब बज रहे हैं 6:25 हो रहे हैं और दस्तखान लगाते हैं। माहू चलिए दस्तखान लगाइए, और यहाँ पर हमारा इफ्तार का काम ऑलमोस्ट निमट गया है। वाह भाई वाह, पकौड़े तो बड़े मस्त बनाए, सीख गए हो। आज वो नहीं बनाया अपना रमजान चाट, आज मेरे साथ इफ्तार देने चले गए थे ना, बिजी हो गए। ओके हाँ जी, पकौड़ा ट्राई किया जाए, शेफ मोहम्मद वासिफ के हाथ के आलू प्याज के पकोड़े बहुत ही मजे का बना है पकोड़ा, तो क्या डाल दिया इसमें, क्रिस्पी भी हो रहा है और टेस्ट भी परफेक्ट है। इसमें है हमारे हाथ का प्यार, ओह माय गॉड, हमारे हाथ का प्यार, ये क्या होता है। इसमें है हमारे अब्बा का जायका, हमारे जो हमें मिला है, लाओ। तो गाइस इफ्तार हो गया है और बस अब चाय पियेंगे, मैं बैठ गया हूँ एडिटिंग पर, और यहाँ बच्चे लोग क्या कर रहे हो भाई, ये अपने कार्टून वार्टून खोल लिए इन्होंने, कार्टून देख रहे हैं, पानी यहाँ पानी पी रही हैं, और सूफी की आंख लग गई है, सूफी अंदर लेटी हुई है, बस उठ जाए उसके बाद चाय भाई बनाएंगी, चाय पी रही हैं, शरबत पी रही हो, अच्छा पी लो। Moments later. हाँ जी, तो गाइज इफ्तार के बाद लग गई थी मेरी आँख और मैं सो गई थी, और ये इस टाइम जो मैं नैप ले लेती हूँ ना, ऐसा लगता है इतना ज़बरदस्त लगता है नैप लेने के बाद, एकदम एनर्जी आ जाती है, और उठ के फिर मैंने बनाई चाय, और हमने चाय बचे कुछ पापड़ कचरी वचरी पकोड़े सब खा लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा। आज था रमज़ान का दूसरा जुमा और काफ़ी अच्छा गुजरा,
और आप बताइएगा आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं। देखते ही देखते 11 रोजे गुजर चुके हैं, रमजान का पहला अशरा कंप्लीट हो चुका है और अब शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे ईद की तैयारियां और हमारी भी शुरू होंगी। आज मुझे एक अर्जेंट वीडियो शूट करनी है, इंस्टाग्राम की पीआर वीडियो शूट करनी है, तो बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में वो शूट करूंगी और फिर आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे ईद शॉपिंग ब्लॉग्स। हम जाएंगे शॉपिंग करने बच्चों के लिए, सबके लिए, ईद के लिए, और आप बताइएगा आपकी ईद की शॉपिंग स्टार्ट हो गई या नहीं। बस इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये देखो क्या किया, पकौड़ी डाल दी। ये क्या किया,